तो हम लोग तीन मुद्दे लेके गए, चुनाव आयोग ने सुनाए हमें, तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण थे मुद्दे। पहले दो मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री के उन्हीं वक्तव्यों के बारे में, आपत्तिजनक वक्तव्यों के बारे में थे, जो वो पिछले एक महीने से लगातार बिना झिझक के, बिना कानून को देखे हुए, बिना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का याद किए हुए बार बार बारंबार बोल रहे हैं। वो हमारे वीर सेना के सभी अंगों को राजनीति में घसीट रहे हैं और चुनाव आयोग के जो नियम है इस विषय में उनका उल्लंघन कर रहे हैं। 25 तारीख को जो उन्होंने वाराणसी में कहा वो हमने कोट किया है, पुलवामा और बालाकोट का सीधा जिक्र, उसके आधार पर वोट मांगना। 26 तारीख को उन्होंने मीडिया में एक चैनल को विस्तृत एक घंटे का इंटरव्यू दिया जो 27 और 28 को चलाया गया। हम समझते हैं कि बिना किसी शर्म के बार बार उस इंटरव्यू में उन्होंने सीधा वोट मांगा इस आधार पे, और ये कहा कि मैं घुसकर पाकिस्तान में मारता हूँ इसलिए हमें वोट दीजिए। इससे कई मुद्दे उठते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, संवैधानिक कानूनी। नंबर एक, हमारी पहली ऐसी कंप्लेंट माननीय प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी के विरुद्ध लगभग 1 अप्रैल को की गई। आज 29 अप्रैल महीने का अंत हो रहा है, चुनाव के 4 फेज हो गए हैं, लगभग 75 या 74% सीटें चुनाव कर चुकी हैं। आज तक चुनाव आयोग ने हमारे लगभग 10 याचिकाओं को निर्णित क्यों नहीं किया, ये प्रश्न हम चुनाव आयोग से पूछ के आए हैं, आपके जरिए देश पूछ रहा है। एक महीना निकलने के बाद कोई भी निर्णय नहीं, हमारी याचिका को निरस्त भी नहीं किया गया है, न स्वीकार किया गया। हमने अलग से हमारे संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली है, लेकिन वो एक अलग परिधि है, वो एक अलग प्रक्रिया है। मेगा पुलिसमैन को इससे कहीं पहले एक्ट करना चाहिए था। नंबर दो, चुनाव आयोग से ऊपर नहीं है प्रधानमंत्री, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से ऊपर नहीं है अमित शाह, समतल जमीन में अलग अलग नियम और मापदंड नहीं हो सकते। और नंबर तीन, ये और भी यदि आवश्यक है कि एक संदेश दिया जाए सीधा और सरल, और न्यूनतम 72 घंटे 48 घंटे के लिए माननीय प्रधानमंत्री को प्रतिबंधित किया जाए, हमारे ही याचिकाओं पे, हमारे ही निवेदन पे संवैधानिक पदाधिकारी मुख्यमंत्री मिस्टर बिष्ट को ये लागू किया गया था, कई और मायावती जी को ये लागू किया गया था, कई और व्यक्ति विशेष के भी विषय में ये किया गया था। तो प्रधानमंत्री और अमित शाह के बारे में ये क्या खासियत है कि हिचक है, भय है। तीसरा मुद्दा, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, 11 अप्रैल को त्रिपुरा में, और हमारे त्रिपुरा के साथी हमारे साथ खड़े हैं, अभी आपसे वार्तालाप भी करेंगे, PCC प्रेसिडेंट भी यहाँ हैं। आप जानते हैं 2 सीट्स हैं और 2 चरण में चुनाव हैं, 11 और 18 को, दोनों चरण निकल गए हैं, 18 का स्थगित होके 23 को हुआ था। 11 के चरण में जो 1 सीट त्रिपुरा की गई उसमें ज़बरदस्त अवरुद्ध करने की प्रक्रिया देखी गई, बूथ कैप्चरिंग, हल्ला गुल्ला, हिंसा, लोगों को अपस्ट्रक्ट करना, डराना, धमकाना। लगभग 500 से ज़्यादा कैमरास, CCTVs को बिना काम कर देना, उनका मुंह उधर कर देना, उनका काम करना अवरुद्ध कर देना, उनको तोड़ देना, हर प्रकार से 11 तारीख का ये चुनाव प्रदूषित है, विशिएटेड है। हमने अपने याचिका में अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं और हमने मांग की है कि ये चुनाव तुरंत काउंटरमांड होना चाहिए। हमने ये पहले भी कहा है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को भी कहा है, आज दोहराया है, चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की कुछ रिपोर्ट्स बाकी हैं, उसके आधार पर जल्द निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ अब जब तो चुनाव का समय निकल गया है तो इसका एक ही हल है, ये चुनाव नहीं स्वीकृत हो सकता,
इस पर सिर्फ काउंटर मांड करके चुनाव वापस करने की प्रक्रिया बड़ी सरल है, कानून में है और वो तुरंत करनी चाहिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।